नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच नगर कोतवाली क्षेत्र में छोटी बाजार में उक्त वक्त हड़कंप मच गया, जब पुरानी रंजिश को लेकर दबंग पड़ोसियों द्वारा मां और पुत्र पर हमला कर दिया गया। इस हमले में पुत्र का सर फट गया तो मां के गालों को नोचकर लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद दबंग पड़ोसी हाथों में लाठी लेकर नाचते हुए नजर आए। घायल मां रूमा श्रीवास्तव ने कहा, मेरे दोनों बेटों की जान खतरे में है। पड़ोसियों द्वारा कहा गया कि तुम्हारे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्राधिकार नगर राजीव सिसोदिया कहना है कि घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की FIR करवाई जाएगी। छोटी मामला ये हुआ था कि जैसे हम बाहर खड़े थे, ऑटो रास्ते में खड़ी थी, तो इनके पड़ोसी आए आदर्श खड़े और ये शुभम श्रीवास्तव उर्फ दुर्गा, इन्होंने कहा कि भाई रास्ते से ऑटो हटाओ क्योंकि पानी मेरे यहाँ पानी का काम होता है। तो इन्होंने तो हम कहे कि रुक जाओ, अभी काम कर रहे हैं, अभी हटा लेंगे। तो उसी पर गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने लगे। मेरी मम्मी है तो उनकी बहन मिल के, सारी उनकी सालियाँ, उनकी बहन मिल के, दुर्गा की बहन और आदर्श की सालियाँ मिल के मेरी मम्मी को मारा। उनका जबड़ा हुआ फिर जब हम विरोध करें, हम उनको बचाने के लिए सामने, तो मेरे सबके लाठी से वार कर दिया। आदर्श खरे, जया श्रीवास्तव, आचे श्रीवास्तव, गोला श्रीवास्तव, शिवानी श्रीवास्तव, दो टाके लगे। कहाँ थाने पे गए थे, थाने में कोई संतोष कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहाँ पे कार्रवाई अच्छे से हो, बस मैं यही चाहता हूँ। ऐसे कोई चोट नहीं लगी होगा से, ये मैं मतलब जांच कर रहे, जांच अच्छे निष्पक्ष जांच हो, उस तरफ एक चोट एक खरोच तक नहीं आई होता। घर से बाहर निकले, उन्होंने हमारे लड़के को मार रहे थे, हम छुड़ाए तो मारा। आदर्श खरे, दुर्गा, उनके पूरा परिवार, ये सब उनके साली हैं, भाई बहन सब मिलते हैं। हाँ, पड़ोसी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पुरानी रंजिश है इन लोगों से, बस ऐसे ही ऑटो का शीशा तोड़ रहे थे, ठीक है, मना किया गया, बस उसी पे मारपीट किया, हमको मारा और हमारे लड़के को। जी हाँ, उसको अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।